नमस्कार दोस्तों, आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्शन रैलीज में बिजी हैं। वो कहते रहते हैं कि छुट्टियां नहीं लेते, लेकिन 750 से ज्यादा रैली कर चुके हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये छुट्टियों में आता है या नहीं, आप देख लीजिएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी हर रैली में कभी ना कभी कोई ना कोई झूठ बोलते ही रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है, या फिर इनका जो स्पीच लिखने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री शायद इतने भोले हैं कि उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में मैं एक और फैक्ट चेक करूंगा और बताऊंगा कि कहां प्रधानमंत्री जी की स्पीच लिखने वाले ने उनके साथ धोखा किया है, उनको झूठे फैक्ट्स बताए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी जनता को बता रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर बता भी सकते हैं ताकि मुझे पता लगे, और आप इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों तक ये वीडियो पहुंचे। तो मैं आपको पहले दिखाता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच की, उन्होंने हिमाचल की रैली में क्या कहा। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब तो 500,000 की नोट दे रही थी, 2 रुपये के नोट हुआ करते। सबसे पहले यहां पर मोदी जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय सिर्फ 100 रुपए के नोट हुआ करती थी, 500 और 1,000 के नोट नहीं हुआ करती थी। मुझे नहीं पता कि मोदी साहब कौन से, मतलब कि कौन से, क्या कहूं, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किन भावनाओं में व्यक्त हैं, या फिर क्यों पॉलिटिकल खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा साल ऐसा था कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और 500 और 1,000 के नोट एग्जिस्ट नहीं करते थे। मैं आपको बताता हूं, पहले पूरी स्पीच सुनते हैं। तो मोटे मोटे यहां पर मोदी जी ने क्या कहा है, नंबर एक कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो सिर्फ 100 का बड़ा नोट था, नंबर दो एक रिपोर्ट आई थी और उसने कहा था कि इंदिरा गांधी जी आप ये बड़े नोट को डिमोनिटाइज कर दो, नंबर तीन इंदिरा गांधी डर गई, कहती कि भाई नहीं करेंगे, इससे कांग्रेस खत्म हो जाएगी और ऐसा कर मेरे पास मत लेके आओ, और चौथी चीज क्योंकि भारत ने नोट डिमोनिटाइज नहीं किए थे इंदिरा गांधी के टाइम में, इसलिए मोदी जी को जरूरत पड़ी। अब मैं झूठ का पर्दाफाश करता हूं यहां पर। दोस्तों आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1971 में एक रिपोर्ट आई थी, कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को सजेस्ट किया था कि आप नोट को डिमोनिटाइज कर दीजिए, जो बड़े नोट हैं। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा नोट 100 का नहीं था, सबसे बड़ा नोट उस समय इंडिया में 10,000 का आता था।
हजार, 5,000 और 10,000 के नोट अवेलेबल थे इंडिया में। अगर आप चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं, अपने दादा से, अपनी दादी से, नाना नानी से पूछे, वो आपको बता सकते हैं, उन्होंने देखा भी होगा। तो मोदी खुद इतने अब तो सटिया चुके, नहीं मतलब कि 67-68 के हो चुके होंगे शायद, तो उनको तो पता होना चाहिए कि उस समय नोट बड़े हुआ करते थे, लेकिन शायद हो सकता है कि भूल गए हों या फिर उनकी स्पीच लिखने वाले ने उनका बेवकूफ़ बनाया हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी मिलेगी। तो हाँ, तो पहला चीज कि इंदिरा गांधी के टाइम में बड़े नोट अवेलेबल थे। दूसरा, शायद मोदी जी ये भूल रहे हैं कि 1978 में भारत के जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उन्होंने डिमोनिटाइजेशन की थी। उन्होंने 100 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट थे, वो 5,000 का हो, 1,000 का हो या 10,000 का नोट हो, उसको हटा दिया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनके डिमोनिटाइजेशन करने के बाद जब आरबीआई, उस समय के जो आरबीआई चीफ थे, उन्होंने इस चीज को एग्री नहीं किया था, लेकिन उस बार की डिमोनिटाइजेशन में इतना नुकसान नहीं हुआ था, उसका फायदे भी नहीं हुए थे लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ था। उसका कारण क्या था? उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि वो बिना सोचे समझे नहीं किया गया था। नंबर दो, उसके अंदर जो करेंसी डिमोनिटाइज की गई थी वो सिर्फ 20 करोड़ थी आउट ऑफ टोटल 145 करोड़, तो वो सिर्फ थोड़ी सी करेंसी थी। लेकिन इस बार जो मोदी जी ने ये डिजास्टर गेम खेला है, इसमें 85% करेंसी को डिमोनिटाइज किया गया था। इससे जो छोटे लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था, लेकिन उसमें बड़े बड़े नोट बड़े लोगों के पास ही होते थे, तो शायद 15-20% की करेंसी डिमोनिटाइज हुई थी, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, हालांकि उसके फायदे नहीं हुए थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि 1987 में राजीव गांधी जी फिर से 500 रुपए का नोट लेकर आए, जब उन्होंने देखा कि 100 रुपए के नोट से मार्केट में काम नहीं हो रहा है। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 1,000 रुपए का नया नोट लेकर आए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मतलब कि थर्ड पर्सन में बोल बोलकर जनता का उल्लू बनाए जा रहे हैं। आप इसको शेयर करती रहिए ताकि हिमाचल की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को भी पता लगे कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं भारत में, जो भाषण सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। हम सुनना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमें क्या कह रहे हैं। वो एक पीछे बात भी हुई थी, वो कह रहे थे कि अब बीजेपी करप्ट लोगों को बिल्कुल नहीं सहेगी। तब नीचे से आवाज आती है कि क्यों भाई, कोटा पूरा हो गया क्या आपका? जब देखो मतलब कि जितने करप्ट वाले हैं उनको आप पार्टीज में ले रहे हैं, करप्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बार बार आके ये मतलब वो कहते हैं यार, वो कई कलेश करते रहते हैं, कांग्रेस ने ये कर दिया। अरे भैया, 3 साल हो गए हैं आपको, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, कितने कांग्रेस लीडर आपने जेल में डाले हैं? कितने कांग्रेस लीडर मोदी जी, कितने? मैं पार्टी के अंदर नहीं कह रहा, मुझे पता है कि आपकी पार्टी के अंदर जो एमएलए एमपी से 100 से ज्यादा कांग्रेस के हैं, उसमें से आधे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। कितने लोग जेल में डाले हैं? नहीं। तो दोस्तों, इंडिया की फर्स्ट डिमोनिटाइजेशन हुई थी आजादी के समय पर, जब जो गवर्नर के नोट्स थे उनको हटाया गया था, जो उनकी पिक्चर थी उनको हटाने के लिए एक्सरसाइज की गई थी, वो 1957 में हुई थी। वो एक जरूरी एक्सरसाइज थी जब देश आजाद हुआ था, और 1957 में वो कंप्लीट हुई थी। दूसरी डिमोनिटाइजेशन एक्सरसाइज हुई थी 1978 में, जिसमें बहुत बड़े बड़े नोट जैसे 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स को हटाया गया था। उसके बाद एक बेवकूफी हुई है 2016 में नवंबर 8 को रात को 12 बजे, जिसके अंदर 500 और 1000 के नोट हटाकर 2000 का नोट लाया गया। मतलब कि पहले अगर आप 2 बोरी में रखते थे अपना करप्ट वाला पैसा, अब आपको 1 ही बोरी रखनी पड़ेगी। तो बार 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 ये साबित हो चुका है कि मोदी जी की ये मुहिम जो है, ये एक बेवकूफाना हरकत थी। द वर्ल्ड एक्सपर्ट्स हैव टोल्ड अगेन एंड अगेन, इवन द नॉर्मल पर्सन लाइक विकास रतन गोयल हैव स्टेटेड कि भैया जी, ये तो फेल होने वाली स्कीम है, ये तो आगे भी फेल होगी। आज भी पुलिस वाला पैसे मांग रहा है, आज भी ब्यूरोक्रेसी करप्शन कर रही है, आम आदमी को पैसे देने पड़ रहे हैं। तो उसके बावजूद
मोदी साहब बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार नोटबंदी तो सफल हुई है, मैंने देखो 4,000 करोड़ कम पैसों पर, मतलब कि कंपनियां थी उनकी शेल कंपनियां थी, 4,000 करोड़ मैंने उनका जब्त कर दिया है, देश को 5,00,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है, 150 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं, और आप बार बार 4,000 करोड़ का एक मतलब कि गोली फेंकते हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं कि कहां गए, कहां गया वो महेश शाह जो गुजरात में पकड़ा था 13,000 करोड़ रुपए वाला, जिसके अंदर बीजेपी के लोगों का नाम आने वाला था, वो सब गायब है। तो दोस्तों आंखें खुली रखिए, अगर बेवकूफ लोग 125 करोड़ लोगों के सिरमौर बनकर ऐसे डिसीजन लेते रहे, तब देश को गर्त में धकेलने वाले हम ही लोग होंगे। तो फैन मत बनिए, मतदाता बनिए। बाकी इस वीडियो को शेयर करते रहिए आप, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई अच्छी चीज बताई है आप में। अब जो लोग एक मैसेज उनके लिए भी, जो लोग कहते हैं कि अरे विकास यार आप सारा दिन क्रिटिसाइज क्यों करते रहते हैं, अरे देश का प्रधानमंत्री जिसको 200 से ज्यादा देश के लोग सुन रहे होंगे कि क्या बोलता है, अरे वो आके झूठ बोल रहा है, उसने डिमोनेटाइजेशन कर दी और उसको ये नहीं पता कि 1971 में बड़े नोट अवेलेबल थे इंडिया में, उसको ये नहीं पता कि 1978 में डिमोनेटाइजेशन हो चुकी है, उसको ये नहीं पता कि अटल बिहारी वाजपेयी थे जो बड़ा नोट लेकर आए हैं, और उसके बाद अब मोदी जी हैं जो उससे भी बड़ा नोट लेकर आए हैं। तो क्या करें यार, मोदी जी सोचिए थोड़ा सा यार। ये जेटली साहब लिखते हैं क्या आपकी स्पीच, ऐसा है क्या यार, कोई बेटर फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढो, है कि नहीं। चलिए धन्यवाद।